हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिकोड करेंगे एनएफटीबी के जो रिसेंट अपडेट है उसको। काफी डिटेल अपडेट दी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, जहां पे कुछ लोगों के डाउट क्रिएट हो सकते हैं क्योंकि कई सारी चीज उन्होंने सम अप करके दे दी है और कुछ चीजों के अराउंड क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने बोला फर्दर दोबारा उस पर राइट अप शेयर करेंगे। ठीक है, कम्युनिटी में देखोगे तो थोड़े से कुछ लोग डिसअपॉइंटेड हुए जिन्होंने डंप किया है और प्राइस में करेक्शन है, बट दैट्स टोटली नॉर्मल, टोटली फाइन। लॉन्ग टर्म विजन देखोगे तो एनएफटी भी मच बेटर कंडीशन में आ जाएगा इस इंप्लीमेंटेशन की वजह से। इसको एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मेन मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ 0.0087 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है, 30% का करेक्शन है कंपेयर टू लास्ट 24 आवर, एंड दैट्स टोटली नॉर्मल एंड इतना निगेटिव नहीं जितना इसको बना दिया गया। सो उन्होंने एक डिटेल राइट अप शेयर किया, उसके लिए हम डायरेक्ट उस पर जाते हैं और मेन मेन पॉइंट पहले डिस्कस करते हैं। सो इनिशियली उन्होंने डिस्कस किया है व्हाट दे हैव अचीव सो फार। इनिशियली जब जब से उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उन्होंने जो बाइनेंस के एनएफटी प्लेटफॉर्म के साथ उनके ऑलरेडी कोलेबोरेशन है उसको डिस्कस किया है, उन जिन जिन से उन्होंने फंड रेज किया था उसकी भी डिटेल दी है कि इनिशियली फंडिंग कहाँ से मिली एंड किस तरह से क्या कुछ किया। की हाईलाइट देखोगे तो इन्होंने बोला है 120 के से ज्यादा यूजर्स ऑनबोर्ड करे उन्होंने, 150 से ज्यादा लॉन्च करे, ऑफिशियल जो बाइनेंस एनएफटी है वो पार्क उसका पार्टनर है, एंड उन्होंने कई सारी चेन्स पे इसको अवेलेबल करा। इनिशियली इट वाज ऑन बीएनबी चेन, लेटर ऑन दे हैव अवेल्ड इट ऑन पॉलीगन, मांटा नेटवर्क, ओएसिस नेटवर्क, स्केल क्लेटन, ऑल्सो वन मोर नेटवर्क, बेस नेटवर्क उन्होंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, जबकि वो नए उसमें दिखाता है इसके प्लेटफॉर्म में। उसके बाद इन्होंने गेमिंग जो डायरेक्शन है उसको लिया और गेमिंग हब डिजाइन किया बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, विच इज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड इन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, एंड द एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप विद कॉइन मार्केट कैप, नॉट मतलब उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो मेन जो चीज उन्होंने डिटेल में शेयर की है वो है कि अब इसकी रीब्रांडिंग हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझना, एनएफटीबी टोकन की रीब्रांडिंग हो जाएगी, रीनेम हो जाएगा। इसमें ना ही कोई माइग्रेशन हो रहा है, ना ही कोई टोकन का चेंज होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा समझो बस नाम चेंज होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ अगर आपके पास एनएफटी भी है तो बस उसका नाम दूसरा दिखाने लगे, दैट्स इट। नो स्वैपिंग, नो माइग्रेशन, नथिंग एल्स। उसके बाद उन्होंने हाईलाइट किया कि इसको रीब्रांडिंग कर क्यों रहे हैं। ठीक है, रीब्रांडिंग करके अभी इन्होंने हाल फिलहाल में इसका नाम ये दे दिया, टेंटेटिव नेम है, ये चेंज भी हो सकता है, लेट्स जस्ट कॉल इट पिक्सल रीम, ये उन्होंने बोला है। पिक्सल रीम इनका एक ऑलरेडी पार्टनर है और उसी के नाम पर इन्होंने इस टोकन को बनाया है। ठीक है, तो एनएफटी भी बन जाएगा 2024 की स्टार्टिंग से। अब ऐसा मत सोचना कि अभी टाइम बहुत ज्यादा है, एक महीना है बस, दिसंबर का महीना, और उसी में ही कुछ अदर इवेंट है जो ऑलरेडी प्लांट है जो हो जाएंगे, पिक्सल रीम टोकन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं, इसका एक दूसरा टोकन बनेगा जिसका नाम होगा पिक्सल, और उसका पूरा नाम अगर देखोगे पिक्सल जेड के ईवीएम, जो बेसिकली इन्होंने ये भी मेंशन करा है इसकी तो रीब्रांडिंग करेंगे ही, साथ में खुद की अपनी चेन भी लॉन्च करेंगे। और इसके फीचर्स आपको ध्यान से सुनने चाहिए कौन से इन्होंने फीचर डिजाइन करे हैं। ठीक है, सो इट विल बी ईवीएम कॉम्पेटेबल जेड के रोल अप चेन, साइड चेन कैटेगरी में आएगी, और वो भी पॉलीगन की टेक्नोलॉजी को यूज करके। अब इसमें ईवीएम कॉम्पेटिबल है, वी ऑलरेडी नो कि इसका मतलब क्या है, जेड के रोल अप बेस्ड है, जीरो नॉलेज क्रिप्टोग्राफी वाली जो टेक है उसको यूज करके। अब इस पे अगर आपको डिटेल में जाना है तो जो रीब्रांडिंग करी थी पॉलीगन ने हर्म्ज नेटवर्क की, जिसको उन्होंने बाद में पॉलीगन जेड के ईवीएम बना दिया था, आपको उसके जो स्टेटिक्स है उसको डिटेल में देखना चाहिए। उसके अगर ट्रांजेक्शन की जो कॉस्ट है प्लस उसकी जो स्केलेबिलिटी है एंड उसकी जो काइंड ऑफ आप ऐसा समझो जो फाइनलिटी की जो टाइमिंग है वो सब बेटर है प्रीवियस जो पॉलीगन की टेक है उससे, तो उन्होंने जो चेन सेलेक्ट करी है दैट इज टेक वाइज वेरी गुड। अदर देन दैट उन्होंने ये भी इसमें फीचर रखा है दैट दिस विल बी एन ओमनी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। ओमनी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है? ओमनी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का आप एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल ले सकते हो लेयर जीरो को। जैसे मल्टी चेन के इश्यू होने के बाद लेयर जीरो को काफी ज्यादा मार्केट शेयर मिला है बिकॉज ऑफ इसकी ओमनी चेन फीचर की वजह से। सो बेसिकली उसमें ये होता है कि बहुत ही मिनिमल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और जो असेट होता है वो ऑलरेडी इंटरऑपरेबल होता है सेवरल चेन्स पर। यू डोंट नीड टू मेक इट क्रॉस चेन एक्सेसिबल, जहां पे आपको क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़े वो सब करना पड़े, नहीं करना पड़ेगा, वो एक ही टोकन मल्टी चेन्स पर अवेलेबल होगा। यू जस्ट रिक्वायर्ड टू हैव इट ऑन द ओमनी चेन और वो इंटरऑपरेबल होगा सारी चेन्स के साथ जो भी उसके साथ इंटीग्रेटेड है।
सो बेसिकली टेक वाइज ये काफी ज्यादा प्रिफर्ड है आज की डेट में, जो भी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो इसको प्रिफर कर रहे हैं। तो बेसिकली इन्होंने पॉलीगन की टेक्नोलॉजी को यूज करके एक चेन डिजाइन करने वाले हैं जो डेडिकेटेड होगी गेमिंग के लिए, जो ईवीएम कॉम्पेटेबल भी होगी, जेड के रोल अप बेस्ड उसका जो टेक फीचर में उन्होंने रखा है साइड चेन कैटेगरी में, अलोंग विद दैट वो ओमनी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगी। आई थिंक ये वाली चीज आपको अब क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो पहली चीज यह कि रीब्रांडिंग ऑफ दिस टोकन, एग्जिस्टिंग टोकन हो जाएगा एंड उसके बाद नया टोकन क्रिएट होगा। अब आपको कंफ्यूजन होगा दो दो टोकन क्यों रखे हैं एंड दो टोकन में किस तरह से कोरिलेशन होगा, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो पिक्सल रिम, अब यहां से इन्होंने आगे इसको रिफर किया है एनएफटीबी को ही, बेसिकली पिक्सल रिम के नाम से। सो इसका जो डिसेंट्रलाइज इंक्यूबेटर है वो रहेगा, इसका डिसेंट्रलाइज लॉन्च लॉन्च पैड है वो भी रहेगा। एंड इसके बाद उन्होंने बोला है कि अभी जो इनके जो एग्जिस्टिंग मतलब जो इकोसिस्टम में है चेन्स, बीएनबी पॉलीगन मांटा ओएसएस स्केल क्लेटन, पांच और है इकोसिस्टम जिनके साथ इनकी बात चल रही है जिसको ये फर्दर ऑनबोर्ड करेंगे। सो इट विल बी मल्टी चेन बट बहुत सारी चेन इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट है उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये जो लाइन इन्होंने मेंशन करी है, यहां से आपको एक और चीज क्लियर हो जाएगी। इन्होंने बोला है कि इन्होंने कई गेमिंग स्टूडियोज के साथ पार्टनरशिप करी है ताकि वो गेम्स बना के लॉन्च करें पिक्सल रिम पे 2020 लेट 2024 में। तो अभी उसके लिए काफी ज्यादा टाइम है, लेकिन उन्होंने ऐसा मेंशन करा है कि इनके ऑलरेडी गेम स्टूडियोज के पास साथ पार्टनरशिप हुई है जो लॉन्च होंगे किस चेन पे, पिक्सल चेन पे, और इंक्यूबेट कहाँ से होंगे, पिक्सल रिम यानी एनएफटीवी के प्लेटफॉर्म से। लेट्स सी, अगर ये वाला अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप ऐसा समझो चेन डिजाइन करने के बाद जैसे नाकामोटो गेम्स, और स्पेशली अगर आपको फोकस करना है तो आप गाला गेम्स जो है उसकी जो अप्रोच है वो इन्होंने यहाँ पे फॉलो करी है। सो बेसिकली गेमिंग हब खुद का बना देंगे, खुद की एक चेन भी हो जाएगी और खुद ही इंक्यूबेट करेंगे, खुद भी डेवलप करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेवरल गेमिंग स्टूडियोज जो गेम्स एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होंगे इनके प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं जो पिक्सल टोकन है उसको उसमें क्या इन्होंने चीजें इंक्लूड करी है। एक चीज और यहाँ पे मेंशन करने वाली है कि इसमें जो एग्जिस्टिंग जो टोकन रह गया है यानी पिक्सल रील है, इसके और क्या क्या यूज केस होंगे और क्या फर्दर इसमें ऐड करने वाले। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर और ऐड होने वाला है जो अभी हम देखेंगे, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखो उन्होंने मेंशन करा एसेस टू इन गेम गुड्स, यानी जो गेम के चाहे वो डिजिटल आइटम्स हैं या जो भी इवन स्किन हो सकती है, कुछ भी जो गेमिंग आइटम्स हैं जो यूज होंगे गेम्स में, वो एसेस करने के लिए पिक्सल रिम की जरूरत पड़ेगी, यानी पिक्सल रिम उसके लिए वर्क करेगा, ठीक है। एंड सो ऑन, आगे देखोगे एसेस टू द बेस्ट लॉन्चेस, गेमिंग गिल्ड फीचर्स एंड टूर्नामेंट्स, ओमनी चेन इन गेम असेट मार्केट प्लेस विद द लोएस्ट फीस पॉसिबल। सो ऐसा मार्केट प्लेस होगा गेम के असेट्स के लिए जो ओमनी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा, यानी किसी भी चेन से आप कर सकते हो, ठीक है ना, जो भी उसमें इंटीग्रेटेड है। उसके बाद गेमिफाइड स्टेकिंग रिवॉर्ड्स एक्सक्लूसिव फ्रॉम अवर पार्टनर्स, गेम एनालिटिक्स एंड मार्केट इंटेलिजेंस टूलिंग, बेसिकली आई थिंक दे विल पार्टनर विद योडा लैब्स, इसके लिए वो उसी से करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जिसकी वो यूटिलिटी है। एक्सक्लूसिव एनएफटी ड्रॉप्स फॉर अवर कम्युनिटी एंड एक्सक्लूसिव एसेस टू पार्टनर टूल्स एंड प्रमोशंस। इंटरेस्टिंग जो है वो आप यहाँ पे आप देखोगे, सो कस्टमाइजेबल टोकन स्टेकिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोस्ट लॉन्च आईडीओ, जो आईडीओज इनके उससे लॉन्च होंगे उसके लिए कस्टमाइजेबल टोकन स्टेकिंग प्लेटफॉर्म भी रखेंगे आगे, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, 30 प्रोजेक्ट उन्होंने मेंशन करे 2024 में लॉन्च होने वाले हैं, अपना बोला है, अब जब आएंगे तब हमें देखना है, ठीक है। एनएफटी स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। एंड उसके बाद तीसरा जो इन्होंने मेंशन करा है ये आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, ऑन चेन गेमिंग टोकन्स डेक्स फॉर ए वन स्टॉप शॉप फॉर लर्निंग एंड ट्रेडिंग। सो बेसिकली ये डेक्स लॉन्च कर देंगे जहां पे जो गेमिंग टोकन्स हैं जो आइदर इंक्यूबेटेड होंगे इनके द्वारा या जो पिक्सल चेन है उस पर बने होंगे, जिसको इजीली ट्रेड करा जा सकता है इनके डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे। सो दैट विल बी द न्यू यूटिलिटी, ठीक है ना। फिर उसके बाद है गेमिंग टोकन एयर ड्रॉप हब फॉर कम्युनिटी, फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट टोकन इंटीग्रेशन ऑन द मार्केट प्लेस, फर्स्ट एवर कस्टमाइजेबल रॉयल्टीज फॉर प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपर्स, एंड उसके बाद वेब3 गेमिंग मीडिया पार्टनर फॉर द बेस्ट इंटेल एंड रिसर्च। तो इंटरेस्टिंग वाला यही है कि एक डेक्स वाला फीचर भी ये आगे रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं पिक्सल टोक जो पिक्सल रिम टोकन है उसको फर्दर इन्होंने क्या मतलब इन्विजन किया है, ठीक है।
ये जो भी कुछ इन्होंने बोला है ये स्टार्टिंग 2024 से होगा, इसी वजह से कम्युनिटी डिसअपॉइंट हुई। कम्युनिटी में कह दो जो लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, सपोर्टर्स हैं, इसके बिलीवर हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जो शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ इवेंट स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए आए थे, तो इस वजह से दे गॉट डिसअपॉइंटेड एंड दे डिसाइडेड टू टेक द एग्जिट रूट। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, बस एक महीना और है दिसंबर का, और इस दिसंबर के महीने में भी तीन मेजर चीजें ये कर देंगे, ठीक है। वो तीन मेरे मेजर चीजें क्या होंगी, उन्होंने डिसाइड करा बर्न करने का, प्लस सर्टेन चेंजेस जो इसके बाद में आपको बताने वाला हूं। पहले हम देखते हैं जो पिक्सल ड्रीम टोकन होगा उसमें क्या मतलब मेन सिनेरियो रहेगा। सो उन्होंने बोला जो नया टोकन आएगा पिक्सल, वो जो गेमिंग साइड चेन है इनकी, उसका टोकन, उसकी 5 से 10% सप्लाई, टोटल सप्लाई का जो 5 से 10% बनेगा वो पिक्सल ड्रीम होल्डर्स को मिलेगा एयर ड्रॉप के तौर पे, जो स्नैपशॉट ले लेंगे ये। और इसमें अगर आपने स्टेक कर दिया है या फिर आप नॉर्मल वॉलेट में होल्ड कर रहे हो, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, पिक्सल का जो फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है विल बी एक्सक्लूसिव टू पिक्सल ड्रीम होल्डर्स। अगर सिर्फ पिक्सल ड्रीम होल्डर्स के लिए है पिक्सल का फंड रेजिंग जो प्रोग्राम है, दैट विल बी द मतलब इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जो आपको एक बढ़िया अच्छे प्रोजेक्ट में, जो इथेरियम का काइंड ऑफ लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन डेडिकेटेड टू गेमिंग ऐसा है, और उसमें आपको मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा, यू माइट रिप आउट अ वेरी गुड गेन आउट ऑफ इट, ठीक है ना। और उन्होंने हाईलाइट करके एक्सक्लूसिव मेंशन करा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इसके बाद जो जो भी प्रोजेक्ट पिक्सल की चेन पे लॉन्च होंगे, तीसरे लाइन में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला है, उसकी एक सर्टेन परसेंटेज टोकन की वो कमिट करेंगे एयर ड्रॉप के लिए, और वो एयर ड्रॉप पिक्सल रील यानी जो एनएफटी भी है अभी, उसके होल्डर्स को स्नैपशॉट के जरिए डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। जिसके पास जितने ज्यादा टोकन होंगे उसको उतनी ज्यादा एलिजिबिलिटी मिलेगी। तो कोई भी जो गेम है, वो प्रोजेक्ट है, जो भी पिक्सल पे आएगा वो एक सर्टेन परसेंटेज कमिट करेगा, और उसके जो एयर ड्रॉप है वो मिलेगा एनएफटी भी होल्डर्स को। सो दैट्स अ गुड अनदर एडिशन ऑफ द यूटिलिटी, ठीक है ना। एंड जो पिक्सल रीम के होल्डर्स हैं वो अलाउड होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, 30 से ज्यादा लॉन्च ऑलरेडी प्लान है 2024 के लिए उन सब में, तो वो बेसिकली पहले भी थे, ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। अब और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये 30% टोटल सप्लाई बर्न करने वाले हैं स्टार्टिंग इन 2024। एग्जैक्ट इसकी डेट एंड क्वांटिटी अनाउंस करेंगे। अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें दो चीजें इंटरेस्टिंग है नोटिस करने वाली। ये जो टोटल सप्लाई का 30% बोला है ना, वो अभी करंट में जो टोटल सप्लाई है नियर टू 726 मिलियन, उसका 24 उसका 30% बर्न करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि एग्जैक्ट सप्लाई, जबकि अभी भी कैलकुलेट करके बता सकते थे, वो इसलिए बोला है क्योंकि इन्होंने बोला है लास्ट लाइन में, अभी आप नोटिस करोगे, ऑल हाई एपीवाई वोल्ट्स विल बी स्टॉप बिफोर 2024, ठीक है। पहले मैं दो लाइन और पढ़ देता हूँ, ये जो इनके पहले जो वीसी के टोकन्स थे और वो जो पहले अर्ली इन्वेस्टर थे, वो फुली वेस्टेड हो चुके हैं, यानी अनलॉक हो चुके हैं, सर्कुलेशन में आ चुके हैं। और उसके बाद टीम के टोकन है उन्होंने ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिए जून 2024 तक, सो उसके बारे में भी हमें रेस्ट असर्ड रहना है अभी एज ऑफ नाउ। हाई एपीवाई वो जो वोल्ट है वो क्लोज कर देंगे, बेसिकली एटलीस्ट 100% वाला तो बंद ही होगा क्योंकि सबसे हाईएस्ट एपीवाई उसी में है। सो जो एपीवाई वाला वोल्ट बंद होगा वो होगा नए यूजर्स के लिए, जिन्होंने पहले से स्टेक कर दिया है उनको कंटिन्यूस रिवॉर्ड मिलता रहेगा, जैसे मिल रहा है, जैसे डेली वेस्टिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन जब बंद की अनाउंसमेंट करेंगे उससे पहले तक जितने लोग स्टेक कर देंगे दे कंटिन्यू टू रीप आउट द रिवॉर्ड जो उसमें मिलेगा, ठीक है, बाकी नए लोगों के लिए फिर बंद हो जाएगा। सो उसके बाद जो भी मतलब जैसे स्टेक हो गया, दे कैन कैलकुलेट के कितना उसमें स्टेक्ड है, कितना सप्लाई उन्हें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देना पड़ेगा उन यूजर्स को जिन्होंने स्टेक कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग जो रिमेनिंग होगी वो सप्लाई आपको बता देंगे, वो बंद कर देंगे। सो बेसिकली जो इन्होंने पहले मतलब जो एपीवाई में ही देने के लिए बहुत सारी सप्लाई रखी थी, उसका एग्जिस्टिंग जितने इनकी लाइबिलिटी बनेगी उसको निकालने के बाद जो भी बचेगा उसको ये बंद कर देंगे। तो दिसंबर के महीने के एंड तक ये डिसाइड हो जाएगा कि जल्दी ही बर्न होगा, कितना होगा और कब होगा, दे अनाउंस, ठीक है। सो एक मेजर बर्न फिर से होने वाला है, जैसा हमने 2023 में शुरुआत में देखा था जब इसने एक दिन में 7 से 8 गुना का
पब मारा था, अगर आप इसमें पहले से हो प्रोजेक्ट में तो आपको शायद ये याद होगा, ठीक है। नॉट ओनली दैट, इसके बाद ये इसके डिटेल में मतलब एक राइटअप शेयर करेंगे पिक्सल रियल और पिक्सल जेड के ईवीएम के बारे में। दोनों टोकन में आपको वैसे डिफरेंस क्लियर होगा। पिक्सल रियल एनएफटीबी टोकन है, बस नाम चेंज होगा, कोई माइग्रेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पिक्सल जेड के ईवीएम इनकी जो गेमिंग साइड चेन है, जो ओमनी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगी, उसका नेटिव टोकन होगा, जिसके लिए फंड रेजिंग करेंगे एक्सक्लूसिव फ्रॉम द पिक्सल रियल होल्डर्स, एंड देयर विल बी अ एयर ड्रॉप ऑल्सो। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं भी करोगे तब भी एक सर्टेन परसेंटेज वो उसकी एयर ड्रॉप करेंगे जो पिक्सल रियल होल्डर्स है उनके लिए। ऑल्सो आगे ये क्या क्या लॉन्च करेंगे, रोड मैप के डिटेल राइटअप शेयर करेंगे, टाइमलाइन भी बता देंगे। टाइमलाइन बेसिकली किस चीज के लिए होगी, कब क्या चीज लेके आएंगे, प्लस कब कितना बर्न करने वाले, कब बर्न करने वाले, पिक्सल की फंड रेजिंग कब होगी, और एपीवाई वाले वोल्ट है वो कब क्लोज हो रहे हैं, दिस विल बी द थिंग, ठीक है। लॉन्च के प्लान्स होंगे, फंड रेजिंग के प्लान्स भी शेयर कर देंगे, एंड सो ऑन। और कुछ चीज ऐसे उन्होंने बोला है कि अभी यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, दे विल मेंशन इट वेरी सून। सो इन शॉर्ट अगर आपको इसको समराइज करके बोलूँ तो पहले तो ड्यूल कॉइन इकोसिस्टम हो जाएगा, नॉट टू वरी अबाउट इट, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो ड्यूल कॉइन इकोसिस्टम पर वर्क करते हैं, ठीक है। खुद की चेन लॉन्च कर रहे हैं विद द बेस्ट टेक इन द मार्केट, साइड चेन टेक्नोलॉजी को उन्होंने सेलेक्ट किया है। दे कुड हैव चूजन ऑप्टिमिस्टिक रोल अप ऑल्सो, बट उन्होंने साइड चेन सेलेक्ट किया है, और इथेरियम की सिक्योरिटी के साथ लोएस्ट पॉसिबल फीस और फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन सेटल कराएंगे, ताकि एक मतलब ऑल इन वन गेमिंग हब की तरह ये बन जाए, ठीक है। जैसा गाला ने प्लान करा था, गाला ने अपनी गाला चेन लॉन्च करने में काफी टाइम लगाया, और गाला चेन लॉन्च होने के बाद प्लस जो उसकी टोकनोमिक्स की प्रॉब्लम थी उसको रिजोल्व करने के बाद उसको काफी ज्यादा उसका एडवांटेज मिला है, वी हैव सीन इट। अगर हम सिर्फ उसके जो लॉ सूट है उस वाले टर्म को अगर साइड में रख दे तो, ठीक है। सो बेसिकली एनएफटी वाला मार्केट प्लेस भी रहेगा, प्लस लॉन्च पैड भी रहेगा, प्लस गेमिंग इकोसिस्टम भी ऑन द नेक्स्ट लेवल, लाइक ऑल इन वन गेमिंग इकोसिस्टम बन जाएगा विद इट्स ओन चेन। और उसके बाद भी जो नेटिव टोकन है वो, यानी जो मेन असेट, अब जैसे दो असेट हो गए तो एक रहेगा वो चेन के लिए पिक्सल वाला, लेकिन जो मेन इनका असेट रहेगा, इन जो इसके होल प्लेटफॉर्म पे सपोर्टेड रहेगा उसके लिए रहेगा, वो रहेगा जो एनएफटी भी एग्जिस्टिंग टोकन है वही रीब्रांडेड एज पिक्सल रे, ठीक है। आई होप सो मैंने इजी ही बोला होगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करा होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपके माइंड में आ सकती है, पिक्सल ज्यादा बेटर रहेगा या फिर पिक्सल रेल, ठीक है। पिक्सल कैसा रहेगा ये हमें पता चलेगा जब उसकी डिटेल आ जाएगी, स्पेशली द टोकोनोमिक्स पार्ट, एंड स्पेशली किस तरह से मतलब सप्लाई रिलीज का उन्होंने प्लान करा है, प्लस व्हाट आर द यूटिलिटी दैट दे आर प्लानिंग, उसके अकॉर्डिंग हम उसको जज कर पाएंगे। तो अभी उसको हम जज नहीं कर सकते और ना ही एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन अगर 100% एपीवाई वो जो वोल्ट है वो क्लोज होगा, वैसे उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं टू बी ऑनेस्ट। अगर आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो इतनी ज्यादा सप्लाई नहीं है उसमें एपीवाई वाले वोल्ट में, जैसे अर्लियर इट वॉज लाइक 45 और 46 मिलियन, एंड लेटर ऑन अभी अगर देखोगे तो इट विल बी नियर टू 24 मिलियन। सो उसकी वजह से ठीक है, जो रिवॉर्ड के तौर पे सप्लाई आती है सर्कुलेशन में, बट दैट इज ऑल्सो डेली वेस्टेड, और वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन एक दिन में ही अनलॉक होके आ रही है और इस वजह से कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, ऐसा नहीं है। बट ठीक है, उसको क्लोज कर रहे हैं, मोर एंड मोर पीपल ट्राई टू स्टेक इन दैट, दैट विल क्रिएट द प्राइस स्कार्सिटी फर्स्ट थिंग। मेजर बर्न दोबारा से आ रहा है, ऑब्वियसली देर विल बी हाई फॉर दैट, एंड जो इन्होंने बोला है कि खुद की चेन और उसके लिए फंड रेजिंग करेंगे, दैट विल बी ऑल्सो अनदर हाइप इवेंट। लेट्स सी वॉट विल हैपन। इन माई ओपिनियन एनएफटी भी अब मच बेटर कंडीशन में है और अभी मच बेटर इकोसिस्टम की तरह इवॉल्व हो रहा है और मच बेटर यूटिलिटीज के साथ आगे बढ़ रहा है। लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।